Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4, I'm your science subject teacher, Sadab Zaman. ओके वर्कशीट देख लेते हैं क्योंकि हमने आज जो है आपके चैप्टर डाइजेशन को जो है उसकी जो वो थी रीडिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और उससे रिलेटेड जो है वर्कशीट करनी है तो वर्कशीट देख लेते हैं क्या है वर्कशीट आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज टीथ यानी आपके पास ये क्या है टीथ के नाम लिखे हुए हैं और इनके फंक्शन पूछे हुए हैं और हमने ये चैप्टर में रीड किया था सही तो आपको इंसीजर्स जो हैं सही इंसीजर जो हैं टीथ इनके फंक्शन को बताना है कि इनका फंक्शन क्या है सो दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड यानी कि ये जो हैं हम फूड को कट करने के लिए बाइट करने के लिए इंसीजर्स का यूज़ करते हैं इसके अलावा कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस क्या करते हैं हेल्प टू टीयर फूड यानी कि फूड को टीयर करने में कौन से टीथ हेल्प करते हैं कैनाइंस इसके अलावा प्री मोलर्स एंड मोलर्स दोनों जो हैं उनका फंक्शन सेम होता है सो दे आर प्लेस्ड एट द सेम साइड लिखा हुआ है यूज टू ग्राइंड एंड चेव फूड यानी कि ये जो है फूड को चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दांत इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है राइट एनी थ्री गुड ईटिंग हैबिट्स यानी कोई सी तीन अच्छी जो खाने के आदात हैं वो बतानी है तो ए में आपने जो है आपने अपने चैप्टर में भी रीड किया था तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये लिखा है और आप लोगों ने ये वर्कशीट अपनी फिल करनी है ईट रेगुलरली एंड एट द फिक्स टाइम यानी आपने जो है रोज़ाना और अपने फिक्स टाइम पर जो है खाना खाना है ये एक पहली आदत है अच्छी दूसरी Eat a balanced diet which includes fresh green vegetables and drink plenty of water. आपने क्या करना है कि अपनी balanced diet लेनी है यानी जिसमें क्या शामिल हो fresh green vegetables और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी करना है और सी में आपने लिखना है wash your hands well before eating anything. अपने हाथों को ये सब काम करने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं यानी कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे कहा गया कंप्लीट द टेबल इस टेबल में असल में आपको यहाँ पर इस तरफ क्या दिए ऑर्गन्स नेम है और इस तरफ आपको उन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शन लिखने हैं तो रिसेंटली हमने ये जो है चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था तो लिवर जो है वो क्या करता है इट प्रोड्यूसेस बाइल बाइल इज़ अ डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन सही और डाइजेस्टिंग द फूड तो लिवर जो है वो क्या करता है बाइल प्रोड्यूस करता है बाइल जो एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि क्या करता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड देन यहाँ पर दोबारा से लिवर की बात हुई कि ये ऑर्गन लिवर क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शन के इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड इट स्टोर्स एनर्जी तो हमने क्या किया लिवर का नाम लिखा क्योंकि ये फंक्शन भी किसका लिवर का है कि लिवर ही क्या करता है ब्लड को फिल्टर भी करता है और फूड एनर्जी को भी और स्टोर करा होता है सही इसके अलावा द बाइल इज़ स्टोर्ड हेयर सही कि यहाँ पे आपको ऑर्गन का नाम बताना है कि ये किस ऑर्गन में ये बाइल जाके स्टोर होता है तो हमने पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर में बाइल जाके स्टोर होता है सही बाइल क्या एक डाइजेस्टिव जूस है प्रोड्यूस करने वाला कौन लिवर और ये जाके स्टोर किस ऑर्गन में होता है गॉल ब्लैडर में सही तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो है एक डायग्राम दी हुई है टीथ की और इसमें कहा गया है कि इसे लेबल करना है यानी दांतों को तो हमने ये चैप्टर में भी रीड किया था और दोबारा से ये जो है इनके बारे में कहा गया कि जो जो मेंशन किया ना ABCD करके तो इनमें बताएं कि कौन से जो है दांत हैं तो ए में जो है वो आपको अगर नज़र आ रहा हो ये बिल्कुल आपके जॉ के कोने में जो होते हैं ये वाले आपके टीथ जो हैं वो कौन से होते हैं प्री मोलर सही इसके बाद बी में आपको ये नज़र आ रहा है जो इंसीजर कैनाइन के बिल्कुल साथ होते हैं तो वो वाले टीथ आपके क्या कहलाते हैं मोलर सही और इसके अलावा सी जो हैं वो आपके फ्रंट टीथ जो होते हैं ना फ्रंट टीथ के साथ वाले जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं कैनाइन और आपके जो बिल्कुल फ्रंट पे टीथ हैं इनको हम क्या कहते हैं इंसीजर्स और इनके फंक्शन क्या हैं वो हम ऊपर देख चुके हैं सही आपने क्या करना है इस वर्कशीट को कंप्लीट करके जो डिस्कशन बॉक्स है उसमें उसे पोस्ट करना है लाजमी ओके होमवर्क में आपने क्या करना है डू कंप्लीट वर्कशीट ऑफ चैप्टर डाइजेशन आपको अभी जो वर्कशीट करवाई है इसकी जो ये है कंप्लीट करनी है और इसको स्कूल से आके आपने ले लेना है इस वर्कशीट को सही
ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक की रखता ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।